नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं और हल्दी के किन किन रोगों में फायदे हो सकते हैं। कैंसर जैसे रोग में भी हल्दी रामबाण काम करती है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी हल्दी के ऊपर रिसर्च करके उसे करक्यूमिन नामक एक पित्तरंजक हल्दी में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, एक नेचुरल स्ट्राइड की तरह काम करता है। तो कैंसर जैसे रोग में भी मॉडर्न मेडिकल साइंस उस करक्यूमिन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने इसकी गुणवत्ता को पहले से ही जानते हुए इसको किचन में हर रोज़ हमारे भोजन में इसको एक स्थान दिया, और सभी के किचन में हल्दी आपको ज़रूर मिलेगी। भारत में, बाहर किसी भी देश में हल्दी की महत्ता नहीं समझी गई, और आज वो इसके कैप्सूल फॉर्म में या किसी दूसरे टैबलेट्स फॉर्म में हल्दी को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसको एक्सेप्ट किया गया और खाने में ही इसको शामिल कर दिया गया, ताकि हर रोज़ जितनी मात्रा हमारी हल्दी की आवश्यकता है, हमारी बॉडी को जो उसके बेनिफिट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, वो हमें प्रतिदिन मिलते रहें। अब मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी का प्रयोग आप कितनी मात्रा में और किन किन रोगों में कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग आप सभी रोगों में कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर आयुर्वेद कहता है वात और कफ के रोगों में हल्दी रामबाण काम करती है। हल्दी को अगर आप दूध के साथ प्रयोग करते हैं, दूध में आप हल्दी को बॉईल कर लीजिए। एक चम्मच हल्दी लगभग 2.5 से 3 ग्राम मात्रा आप प्रतिदिन हल्दी की ले सकते हैं। तो ऐसी दूध के साथ ली हुई हल्दी आपकी हड्डियों को मजबूती देती है। दूध का कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी बोन मैरो भी हेल्दी होती है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती है, नींद को ठीक करती है रात को दूध के साथ ली हुई हल्दी। सेकेंडरी, अगर आप बार बार बीमार होते हैं, आपको कफ कोल्ड अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप हल्दी को पानी में उबालकर भी ले सकते हैं, और कच्ची हल्दी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कच्ची हल्दी आप सुबह खाली पेट खा लीजिए, उसके लगभग आधे घंटे बाद आप कुछ दूसरी चीज़ें खाएं, जो भी आप खाना चाहते हैं। तो ये ऐसी हल्दी आपके शरीर को पुष्टता देती है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और एंटी कैंसरस काम करती है। तो हल्दी में अनेकों गुण पाए जाते हैं जो हर रोग में आपके काम करते हैं, आपकी नेचुरल पावर को बढ़ाते हैं बॉडी की, और हल्दी के अंदर जो नेचुरल स्ट्राइड पाया जाता है वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को बॉडी के बढ़ा के रखता है। तो हल्दी का प्रयोग आप ज़रूर करें, नियमित रूप से करते रहें। गर्मियों के दिनों में थोड़ा मात्रा अनुपात के भेद से कम हल्दी का थोड़ा मात्रा कम कर लीजिए। सर्दियों के दिनों में थोड़ा मात्रा को बढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे को आधा चम्मच आप दे सकते हैं हल्दी, और बड़े व्यक्ति को आप एक चम्मच छोटा पूरा दे सकते हैं। तो हल्दी वास्तव में गुणों से भरपूर है, आप इसका पूरा लाभ लें, इसको नियमित रूप से प्रयोग करें। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।